तो हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप TRX मशीन में अपनी ID लगाना चाहते हैं तो किस प्रकार से लगा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको TRX की ID स्टेप बाय स्टेप लगाकर बताएंगे, और इस वीडियो में हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि आप अपना बैलेट किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं और उसमें ट्रॉन किस प्रकार से मंगवाने हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आप अपनी भी और किसी और की भी ID आसानी के साथ TRX मशीन में लगवा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, TRX मशीन एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जिसका ना ही कोई एडमिन है और ना ही MD है। तो दोस्तों स्कैम होने का इसका कोई चांस नहीं है, और यह ऑटो पुल सिस्टम है। दोस्तों अगर आप इसमें अपनी ID लगाकर छोड़ भी देते हैं तो फिर भी आप इसमें लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके नीचे वर्ल्ड में कहीं भी ID लगेंगी तो उसकी 3 ID आपके नीचे आएंगी, जिसमें से कुछ पैसा आपको आएगा और कुछ पैसा अगले लेवल के लिए अपग्रेड अमाउंट में चला जाएगा। दोस्तों जैसे ही आपका पैसा अपग्रेड अमाउंट में जाता है, फिर आपके नीचे डबल पैसे वाली ID आती हैं, जिससे कि आपको और डबल इनकम होती है। तो इसी प्रकार से अगर हम इसमें अपनी ID लगाकर भी छोड़ देते हैं, फिर भी हम इसमें लाखों रुपए की इनकम कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आपको इसमें ID किस प्रकार से लगानी है। आपको TRX मशीन में ID लगाने के लिए एक बैलेट की ज़रूरत होगी, जो हम आपको इस वीडियो में बनाकर दिखाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हमें अपना एक बैलेट बनाना है, जो कि ट्रॉन लिंक प्रो का बैलेट है। आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर ये रहा। तो दोस्तों इसे हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। यह देखिए हमने प्ले स्टोर ओपन कर लिया। हम बैक आते हैं तो ऊपर आपको सर्च बार में ट्रॉन लिंक प्रो लिखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से यह देखिए ट्रॉन लिंक प्रो आ जाएगा, और दोस्तों जैसे ही सर्च करते हैं तो पहले नंबर पर आ जाएगा। दोस्तों हमने इंस्टॉल कर रखा तो ओपन वाला ऑप्शन आ रहा है, यह देखिए। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं बिल्कुल स्टार्ट से बता रहा हूँ आपको, आप भी इस प्रकार से अपनी ID लगा सकते हैं। दोस्तों ये देखिए ये वाला इंटरफेस आएगा, फिर आपको येलो कलर में क्रिएट अकाउंट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यह देखिए जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यूज़र एग्रीमेंट आएगा, आप इसको पढ़ भी सकते हैं या नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे जल्दी जल्दी से, और ये देखिए नीचे एग्री वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। हम इसे एक्सेप्ट कर देते हैं। अब दोस्तों ये देखिए यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, जो कि 14 करेक्टर से नीचे होना चाहिए। तो दोस्तों हम यहाँ पर अपना नाम डाल देते हैं, जो भी हमारा नाम है। यह देखिए हमने अपना नाम डाल दिया है, और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं। तो अब हमें यहाँ पर अपना एक पासवर्ड सिलेक्ट करना है। अब आपको जो पासवर्ड लगाना है वह कुछ इस प्रकार का लगाना है, जैसे कि कोई भी अक्षर ABCD का बड़ा होना चाहिए पहला, और बाद के छोटे चल सकते हैं, और बाद में आपके इसमें कुछ डिजिट होना चाहिए, जैसे कि दोस्तों संख्या होती हैं। तो यह देखिए हमने सभी डाल ली हैं, और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए आपको वह पासवर्ड जो आपने पहले डाला था, वही पासवर्ड आपको एक बार फिर से डालना है और कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो हमारा यह बैलेट क्रिएट होने लगा, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यह देखिए जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप आता है, तो यहाँ पर ना ही हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग काम करती है और ना ही हमारा स्क्रीन शॉट काम करता है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सामने एक नोटिफिकेशन भी आ चुकी है कि यहाँ पर आपका ना ही स्क्रीन शॉट काम करेगा और ना ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों आपके सामने कुछ 12 वर्ड दिखाई देंगे, आप इन 12 वर्ड के पासवर्ड को किसी कॉपी में उतार लेना, जो कि आपको याद रहें, और इस पासवर्ड को आप किसी के साथ भी शेयर न करें। तो दोस्तों आपको यह पासवर्ड क्रम बाय क्रम उतार लेने हैं, जैसे कि पहले नंबर पर क्या है, दूसरे पे क्या है, तीसरे पे क्या है, इसी नंबर से आपको उतार लेने हैं। और इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, फिर आपको पासवर्ड वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन आएंगे, तो वहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि दूसरे या तीसरे नंबर पर कौन सा अक्षर था। तो दोस्तों नीचे आपको कुछ वर्ड लिखे हुए आ जाएंगे, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है, जो भी आपके दूसरे या तीसरे नंबर पर था तो वहाँ पर क्लिक कर देना है, फिर आपका यह पासवर्ड भी वेरीफाई हो जाएगा और आपका अकाउंट ट्रॉन लिंक प्रो का सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों यह देखिए हमारा अकाउंट भी सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं हमारे इस बैलेट में अभी कुछ भी बैलेंस शो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बैलेट हमने अभी अभी क्रिएट किया है। तो दोस्तों यह देखिए अगर आपको किसी से ट्रॉन मंगाने हैं तो आपको TRX वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आपको नीचे यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो हो रहे होंगे, आपको रिसीव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको जो ट्रॉन रिसीव करने की लिंक है, आप इसे कॉपी कर लेना। यह देखिए हमने लिंक कॉपी कर ली है, अब हम इस लिंक को वहाँ पर पेस्ट करेंगे जिससे भी हमें ट्रॉन मंगाने हैं। तो दोस्तों हम अपने इस बैलेट में ट्रॉन अपने अप्लाइन से मंगाएंगे, तो हम जो हमने लिंक ये कॉपी करी है, इस लिंक को हम अपने अप्लाइन को पेस्ट कर देते हैं व्हाट्सएप पर। तो दोस्तों अब हम इस लिंक को पेस्ट कर देते हैं, हमारा अप्लाइन इस लिंक की मदद से ट्रॉन भेज देगा। तो अब हमें कुछ देर वेट करना है, हमारा अप्लाइन ट्रॉन हमारे वैलेट में भेज देगा। तो दोस्तों ट्रॉन वैलेट में आने में सिर्फ 1 मिनट से भी कम समय लगता है। तो जैसे ही हमारे वैलेट में ट्रॉन आ जाएंगे, फिर हम आपको TRX मशीन की ID लाइव लगाकर दिखाएंगे। तो कुछ टाइम बाद हम अपने ट्रॉन लिंक प्रो वाले बैलेट को दोबारा ओपन करते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे बैलेट में 208 ट्रॉन TRX आ चुके हैं, जो कि $21 के समथिंग होते हैं।
और हमें TRX की ID लगाने के लिए $20 के ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों अब हम अपने अपलाइन की लिंक यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। यह देखिए हमारा अपलाइन हमें एक लिंक भेजेगा, हम इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं और अपने ट्रॉन लिंक प्रो वाले वैलेट में पहुँच जाते हैं। तो हमें इसमें यह देखिए नीचे हमें डिस्कवर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, हमें यहाँ पर क्लिक करना है और हमें ऊपर सर्च बार दिख रहा होगा, हमें यहाँ पर जो लिंक अभी हमने कॉपी की थी अपने अपलाइन की, तो दोस्तों इस लिंक को हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के लिए हम थोड़ी देर यहाँ पर प्रेस करके रखेंगे और पेस्ट वाला ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे तो लिंक हमारी पेस्ट हो जाएगी और हम सर्च करते हैं। तो दोस्तों यह देखिए हमें यहाँ पर क्लिक करना है तो यह सर्च एंटर का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों हम अब इसमें एंटर करते हैं तो यह देखिए यह थोड़ा लोडिंग होगा और हमारी TRX मशीन में ID लगनी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों यह देखिए आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है नीचे, तो हम रजिस्टर पर क्लिक कर देते हैं और हमारे सामने न्यू पेज आ जाता है, तो हमें ऊपर सेव मोड दिख रहा होगा तो फिर हमें कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यह देखिए हमारी ID लगने के लिए 192 ट्रॉन कटेंगे तो हम कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर वह वाला पासवर्ड डालना है जो हमने अपने खुद से क्रिएट किया था। तो दोस्तों जो भी पासवर्ड हमने क्रिएट किया था उस पासवर्ड को हम जल्दी से यहाँ पर डाल देते हैं और डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो यह देखिए हमारी ID लगनी स्टार्ट हो जाती है और हमारे यहाँ पर 25 सेकंड चलेंगी। तो दोस्तों हमें यह बिल्कुल भी बैक नहीं करना है, हमें कुछ टाइम ऐसे ही रहने देना है, इसमें हमारा 1 मिनट भी लग सकता है, तो हम इसे बैक नहीं करें वरना हमारे ट्रॉन बेकार हो जाएंगे और हमारी ID भी नहीं लगेगी। तो दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेते हैं और हमारी ID इसके बाद कंप्लीट लग जाएगी। कुछ टाइम वेट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेट लिखा हुआ आ चुका है, हम ओके पर क्लिक करते हैं तो हमारी ID यहाँ पर ओपन हो चुकी है। हम थोड़ा नीचे आते हैं तो ये देखिए हमारा ID नंबर यहाँ पर दिख जाएगा और नीचे हमारी इनकम वगैरह वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी ID TRX मशीन में लगा सकते हैं और लाखों रुपये बिना कुछ किए ही कमा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी इसमें ID लगानी है तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप हमसे डिस्प्ले पर दिए गए नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।